प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो फिजिकल एजुकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है उसके मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा मीनिंग, उसका अर्थ क्या है, एम उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव और उसके उद्देश्य क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। जो शारीरिक शिक्षा का अर्थ है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल। सबसे पहले हमें फिजिकल का अर्थ समझना होगा। जो फिजिकल है, फिजिकल इज रेफर्ड एज बॉडीली मूवमेंट और बॉडी एक्शन। यानी कि जो फिजिकल है उसका जो अर्थ है वो ये है कि जो हमारे बॉडीली मूवमेंट, जो शरीर से जो भी मूवमेंट्स होती हैं या जो शरीर के जो एक्शन होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उसको हम फिजिकल कहते हैं। और एजुकेशन, एजुकेशन इज अ प्रोसेस टू गेनिंग नॉलेज फॉर ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो भी मनुष्य के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आप एक लर्निंग प्रोसेस होती है, जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारा एजुकेशन कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं तो दस वी कैन से दैट फिजिकल एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज अवर बिहेवियर थ्रू बॉडीली मूवमेंट। यानी कि जो हमारा शारीरिक शिक्षा है वो एक प्रोसेस है, लर्निंग करने का, सीखने का एक प्रोसेस है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर, व्यवहार के अंदर कुछ चेंजेस लाता है, उनको मॉडिफाई करता है। जो भी हमारे बॉडीली बेस्ड एक्शंस होते हैं, जो शरीर के द्वारा जो भी क्रिया की जाती हैं, उनके द्वारा जो हमारा व्यवहार मॉडिफाई होता है, जो हम उसे सीखते हैं, वो हमारा शारीरिक शिक्षा कहलाता है। अब अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो शारीरिक शिक्षा की जो डेफिनेशन है, शारीरिक शिक्षा की जो डेफिनेशन है मुझे जो सबसे अच्छी लगी है, वो जो लगी है मुझे एक जेबी नेस की डेफिनेशन सबसे अच्छी लगी है और एक जे एफ विलियम की लगी है। तो मैं अकॉर्डिंग टू जे बी नेस अगर आपको बोलूं, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्सेस। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वो क्षेत्र है जो हमारी जो मसल्स एक्टिविटीज हैं उनसे जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है, जो उनसे सीखने को मिलता है, जो हमारे बॉडी में एक्शंस उनके द्वारा मिलते हैं, मसल्स के द्वारा। नंबर टू, हमें जो सबसे अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम, जे एफ विलियम क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ अ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड टू डेवलप पर्सनैलिटी। जे एफ विलियम क्या कहते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो जितनी भी किसी भी व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो भी कंडक्ट करता है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, वो हमारा जे एफ विलियम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। अब अगर बात करता हूँ एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमारी शारीरिक शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है। अगर देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है तो वो द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि किसी का भी होलसम डेवलपमेंट करना, होलसम मीन संपूर्ण विकास, यानी कि किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास हम शारीरिक शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। और यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास के साथ साथ, चाहे वो शारीरिक विकास है, चाहे वो उसका बौद्धिक विकास है, चाहे उसका वो मानसिक विकास है, चाहे सामाजिक विकास है, चाहे उसका वो भावनात्मक विकास है, मीन्स होलसम डेवलपमेंट, संपूर्ण डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। अगर मैं इस जो एम है उनमें कुछ जो हमारे शिक्षाविद हुए हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम भी यहाँ क्या कहते हैं कि एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो शारीरिक विकास की बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं, उसका जो मेन एम है वो होलसम डेवलपमेंट है थ्रू ह्यूमन पर्सनैलिटी। किसी भी मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है उसका शारीरिक विकास, उसका संपूर्ण विकास हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अब जो एक हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन है वो क्या कहता है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप एवरी चाइल्ड फिजिकली मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज दैट हेल्प्स हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर्स एंड बिल्ड हिम इनटू अ गुड सिटीजन। जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है फिजिकल एजुकेशन का, वो ये कहता है कि जो शारीरिक शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य है हर किसी का, कि एवरी चाइल्ड उसका फिजिकल मेंटल एंड सॉरी फिजिकली मेंटली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली फिट करना है उसको, ताकि वो एक सुखपूर्वक रह सके और एक देश का जिम्मेदार नागरिक बन सके और सबके साथ अच्छे से रह सके। तो ये हमारे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल हमारी जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, केवल उसके अंदर होलसम डेवलपमेंट वर्ड आया है, अदरवाइज किसी भी एजुकेशन के अंदर होलसम डेवलपमेंट नहीं है जिसके अंदर मनुष्य का संपूर्ण विकास हो सके। और ये जो टॉपिक अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके 11th और 12th दोनों में काम आएगा, जिसमें आपका सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं एम बात करूं, एम हमारे टारगेट होता है कि हमें क्या बनना है। सपोज करिए आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक, जब आप आपका टारगेट एम हो गया आपको आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन उसके लिए जब आप ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप कहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं, कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, कहाँ से आप किसके लिंक के साथ में आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, मींस स्टेप बाय स्टेप अपने आप को जो आप ऑफिसर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो स्टेप्स बाय स्टेप वो आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें हमारे चार ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब इसकी मैं बात करूँ तो फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट जिसको हम मानसिक विकास कहते हैं, और सोशल डेवलपमेंट जिसको हम सामाजिक विकास कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हम भावनात्मक विकास कहते हैं। मैं इसमें कुछ और बोलता हूँ, कई बार चीजें वही हैं। मीन्स कि अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है यानी कि फिजिकली फिट, नंबर टू कहता है मेंटली अलर्ट यानी किसी भी कंडीशन में उसका माइंड प्रॉपर वर्क कर रहा है, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एकदम परफेक्ट है, उसके बाद आता है सामाजिक विकास, बोले तो सोशली साउंड, उस पर्सन की जो पोजीशन है वो एक समाज में साउंड पोजीशन होनी चाहिए, एक साउंड क्वालिटी होनी चाहिए। साउंड पोजीशन मींस कि जो उसने कह दिया बंदे ने उसकी बात मान ली, वो साउंड पोजीशन आती है। इमोशनली बैलेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारा का सारा हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर आता है। और जब किसी की चारों चीजें डेवलप होगी तो उसका होलसम डेवलपमेंट कंफर्म है, क्योंकि ये सारी चीजें उसको एक सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जरूरी होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा फिजिकली डेवलपमेंट की, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल फिट कहेंगे। टू अचीव फिट द अल्टीमेट गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि फिजिकल एजुकेशन के एम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकली फिट होना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव बॉडी शुड ग्रो इन ए प्रॉपर वे, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी परफॉर्म्ड टू डेवलप ऑप्टिमम ग्रोथ। मीन्स कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा है वो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो सारी की सारी मैक्सिमम लेवल तक डेवलप होंगे, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, बॉडी पार्ट्स होंगे। तो दिस ऑब्जेक्टिव ऑल्सो गाइड्स अ पर्सन टू मेक हिज बॉडी स्ट्रॉन्ग, ये जो ऑब्जेक्टिव है हर एक की बॉडी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए गाइड करता है। वेल शेप्ड लुकिंग, उसकी जो शेप है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे, जिसको गुड लुकिंग फिजिक भी बोलते हैं। गुड वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जब वो फिजिकली वर्कआउट करेगा तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, चाहे हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम से, वो सारे प्रॉपर मैनर्स में वर्कआउट करेंगे। फॉर गुड हेल्थ एंड इम्प्रूव द फिजिकल पर्सनैलिटी, और जब हम फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी एक अच्छे लेवल पे डेवलप होगी। अगर मैं बात करता हूँ नंबर टू पे हमारे मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, दिस ऑब्जेक्टिव इंप्रूव्स द फिजियोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज मेंटल प्रोग्रेस। जो मेंटल अलर्टनेस है इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस है यानी कि जो हमारा मेंटल बैलेंस है, जो हमारे दिमाग की काम करने की जो कैपेसिटी है वो
हमारा व्यवहार है, चाहे हमारे थॉट्स हैं, चाहे हमारे आइडियाज हैं, विचार हैं, वो सब परसेंट टू परसेंट डिफरेंट होते हैं। और जब वो मेंटली अलर्ट होगा, अच्छे से उसका माइंड वर्कआउट करेगा, तो वो एक फिजिकल एजुकेशन का जो एम है उसको अचीव करने में उसको हेल्प करेगा। तो अगर मैं बात करूं तो दिस डेवलपमेंट मींस मेंटल डेवलपमेंट जो है वो हमारी बॉडी को एक डेवलप करता है। उसके अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर। द पॉजिटिव थॉट्स एंड आइडियाज गाइड्स द इंडिविजुअल टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड बिफोर मेक अ पर्सन अ गुड सिटीजन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव माइंड हेल्प अस टू अचीव द एम। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमारा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग में रहेगा तो वो हमारे एम को अचीव करने में हेल्प करेगा। मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की जो बात आई, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एंड कांट लिव विदाउट सोसाइटी, जो बिना समाज के बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता। तो मैन इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज ऑफ सोसाइटी। जो मानव है वो एक सोसाइटी में रहता है, वहां कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो सोसाइटी के नियम है समाज के नियम है फॉलो करना पड़ता है। तो दिस ऑब्जेक्टिव डेवलप्स द सोशल क्वालिटी। ये जो ऑब्जेक्टिव है सोशलिज्म, उसके अंदर एक सोशल क्वालिटी को डेवलप करता है जिसके अंदर कोऑपरेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, वो उसमें ईमानदारी, नेता नैतिक गुण, ऑनेस्टी ईमानदारी वाले गुण, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सारी चीजें, अपना जो गुड कैरेक्टर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जो सोशल डेवलपमेंट है हेल्प्स टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। दैट मींस टू बी एन आइडियल सिटीजन, यूजफुल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि वो पर्सन जो हमारा सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर रहेगा वो एक अच्छा आदर्श नागरिक भी बनेगा और एक सोसाइटी का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। मींस उसकी साउंड पोजीशन ये होनी चाहिए कि समाज में लोग उसकी इज्जत करें, उससे बात करें और उसकी बात को माने। अदरवाइज हमने बहुत सारे बंदे देखे होंगे वो सब रहते हैं समाज से कोई मतलब नहीं, तो उनसे लोग जुड़ने संबंध नहीं रखते। तो ये हमारे बहुत जरूरी होता है सोशली डेवलपमेंट होना, क्योंकि डेवलपमेंट हमारे केवल फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही मिल जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स भावनात्मक विकास। जो हमारे इमोशंस हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी। जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, भावनात्मक विकास है, वो एक मनुष्य की पर्सनैलिटी का एक बहुत अहम पार्ट होता है। जो एम पार्ट होता है वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट आता है। इस इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करना आता है। जो हमारी इमोशंस होती हैं, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है, जो हमारी इमोशंस हैं, वो इसका आपस में बहुत बड़ा रिलेशन होता है, जिसमें हमारे जो इमोशंस हैं लाइक लव, प्रेम, हेट, ईर्ष्या, एंगर, क्रोध, एग्रेसिवनेस, प्लेजर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सब हमारी पर्सनैलिटी में आते हैं। और ये हमारी सब एक ह्यूमन के अंदर ही पर्सनैलिटी में आती है, सारी पर्सनैलिटी ह्यूमन के अंदर आती है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप उनको कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और आप स्पोर्ट्स में रह करके इन सारे इमोशंस को कंट्रोल करना आसानी से सीख जाते हैं। तो दीज इमोशंस हेल्प टू अचीव। अगर हम इमोशंस को अपने कंट्रोल कर लें, अपने इमोशंस को हम अपने कंट्रोल में करें, अपनी भावनाओं को अपने काबू में कर लें, तो हम एक अच्छे लेवल पे हम ऑप्टिमम प्रोग्रेस को कर सकते हैं। तो दीज इमोशंस हेल्प टू अचीव ऑप्टिमम प्रोग्रेस, दस इट हेल्प्स टू अचीव द एम। तो ये जो मैंने चारों चीजें बताई हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, तो मैं वो फिर से कहूंगा, फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो, सोशली साउंड हो और इमोशनली बैलेंस हो, ये चारों की चारों चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। और बेटा जो टॉपिक है ये आपके 12th में भी एक जगह मिलता है कि जो पर्सनैलिटी है तो पर्सनैलिटी के डायमेंशंस में आता है। जो पर्सनैलिटी डायमेंशंस होती हैं उसमें हमारी जंग्स के अकॉर्डिंग भी है और
हमारे समय तक फिजिकल डेवलपमेंट की जो अपनी पर्सनैलिटीज हैं, आप उनके बारे में पर्सनैलिटी को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें जो हमारी पर्सनैलिटी आएंगी वहाँ पे यही आएंगी सेम, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। वहाँ पे डेवलपमेंट ना होकर के वहाँ पे फिजिकल डायमेंशन हो जाएगा, मेंटल डायमेंशन हो जाएगा, सोशल डायमेंशन हो जाएगा और इमोशनल डायमेंशन हो जाएगा। तो आज के जो मैंने चारों टॉपिक्स हैं ये आपके सामने एक्सप्लेन किए, जो हमारा सबसे पहले था मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। दूसरे नंबर में मैंने बताया था डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, परिभाषा क्या है। दो जेबी नेस और जे अभिज्ञान के अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन बताई थी। एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जिसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बताई। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं कि शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आपका तो भी बेटा समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।